हेलो रिवॉन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे ने पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनकी वजह से इस रीडिंग तक आए हो, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। एकदम अचानक से क्लैप करने का मन किया, पता नहीं कि ऐसा लगा कि कुछ सेलिब्रेशन की एनर्जी है। लेट्स सी, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लेन पर फोकस कीजिए। उनका हंसा मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। इंटरेस्टिंग बात है कि ड्रॉप नहीं गिर रहे थे, और मुझे लगा कि यार ये क्या, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हमेशा बनी रहती है, कब तक कुछ होगा कि नहीं। और जैसे मैंने वापस मेरी भगवान की तरफ देखा तो वो ड्रॉप गिर गया। ऐसा लग रहा है कि उम्मीद कायम है, उम्मीद कायम है, उम्मीद तो है। पता नहीं क्यों ऐसा लगा ना कि आप ये जो एनर्जी है आज जो क्लैप करने के, मुझे 6 ऑफ वैंड की एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे विक्ट्री एंड सक्सेस है। लेकिन ये आसान नहीं था, ये जो सफ़र है ये अभी भी आसान नहीं है। इनफैक्ट स्पेशली आपके लिए बिल्कुल नहीं है आपके लिए, क्योंकि ऐसा है कि ये सेपरेशन जिस तरह से ये है ना, जिस तरह से एकदम क्रैकलिंग आवाज़ हुआ, तो डेफिनेटली ऐसा है ना कि ये जो बात थी वो सच है। कि मुझे जो फील हुआ ना आज की एनर्जी में कि ये सफ़र आसान नहीं था, ये जो सफ़र है ना, ये प्यार का सफ़र, ये आसान नहीं था, वो आपके लिए आसान नहीं था, कभी भी आसान नहीं था। ऐसा लगा कि आप दोनों के बीच में, यू नो, शुरू में भी जुड़े तो बहुत सारे डिफरेंसेस थे, लाइक कि कास्ट कल्चर रिलीजन का हो, सोच का हो, और वो चीज़ बहुत सारे डिफरेंस। लेकिन ऐसा लगा ना कि ये इंसान ने आपको कन्विंस किया हो, प्रपोज़ किया हो, वो चीज़ थी। आप उस वक्त इतने स्टेबल, सीरियस इतना नहीं, सीरियस इन द सेंस कि एकदम अचानक से सीरियस होना, ये आपकी एनर्जी कभी नहीं थी। हालांकि आपको इनको मिलके देख के फील तो हुआ कुछ कि जैसे कुछ डिफरेंट है इस इंसान में, लेकिन इट्स नॉट अबाउट एकदम सीरियस, क्योंकि आपको ना ऐसे टाइम पास पसंद नहीं, टाइम पास पसंद नहीं वाली चीज़ हो सकती है। और ऐसा नहीं कि इनको टाइम पास पसंद है, ज़रूरी नहीं है, ये कुछ भी मन चले स्वभाव के भी हो सकते हैं, या फिर इट्स लाइक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल कि जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है या हो सकता है या हो नहीं सकता, ये उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। आप दिल पे बिलीव करते हैं, प्यार पे बिलीव करते हैं, इमोशंस पे बिलीव करते हैं, पहले से ही आपको पता है कि ये इंसान से आपको प्यार क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या ये सब चीज़ आपको ना जैसे ना नहीं पता, बस प्यार है, एकदम दिल से प्यार है, एकदम दिल से। और इनकी तरफ ना ऐसा है कि उनको आपको मिल के प्यार हुआ, लेकिन जिस नॉट देखते ही मिल के प्यार हुआ। ऐसा इंसान कहाँ मिलता है, मतलब आपसे वो कैसे खींच गए वो उनको ही नहीं पता। एक्चुअली कैसा ना कि शुरू में आपसे तो खींच गए, लेकिन बहुत ज़्यादा एक अटैच फील हुआ, लेकिन ना धीरे धीरे ऐसे लगा कि वो डर लगने लगता है इस इंसान को कि जैसे ना आप रियल नहीं हो, आप ऐसे कोई कैसे हो सकता है वाली एनर्जी थी। और मतलब आपका जो प्यार करना, आपकी जो सिंप्लिसिटी है, आपका जो मतलब एक आपका जो एक इसी रिलेशन में स्टक रहना, ये सारी चीज़ें ना उनको बहुत ज़्यादा शॉक कर देते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में शायद ऐसा होता नहीं है, ऐसा ये बिलीव करते हैं, कोई इतना प्यार करने वाला कैसे हो सकता है।
साइंस में मुझे स्कॉर्पियो साइन, कैंसर साइन, एरीज और वर्गो दिख रहे हैं। और मुझे ना बार बार जैसे ना जब मैं एनर्जी शफल करे थी कार्ड्स और यू नो मेडिटेशंस भी थे, बार बार ना फाइव ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वैंड, फाइव ऑफ सोर्ड्स, फाइव वैंड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, ऐसे कार्ड जो ऑलरेडी निगेटिव है, कोई परेशान है, फ्रस्ट्रेट है, एंग्जाइटी है, हर चीज़। यहाँ पे आप देखो यूनियन के साइन बन रहे हैं, यूनियन के साइन बन रहे हैं। इनके इनिशियल ए हो सकता है, पी हो सकता है, बर्ड है, और मुझे ईगल की एनर्जी मिल रहा है कि मैं अचानक से रुक गई। तो वहाँ पे है थे कि ऐसा है कि शुरू से उनको पता है कि आप खास हो, यूनिक हो। प्यार के मामले में ऐसा इंसान उन्हें शायद ही कहीं देखा हो, लेकिन फिर भी वो इस रिश्ते में ना जैसे ना पता नहीं डर से, मतलब होता ना इंसान का खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि इंसान के साथ मैं निभा पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सच्चा है और मैं उतना सच्चा हूँ नहीं या सच्ची नहीं हूँ, पता है इन्हें। एक्चुअली टोटली गलती इनकी नहीं बोल सकते, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं ऐसा ना पास्ट कुछ है ना वो थोड़ा ख़राब है या कुछ अच्छा नहीं है। पास्ट रिलेशन हो सकते हैं या फिर जो चाइल्डहुड वुंड्स कहते हैं वो अच्छे नहीं थे, इसकी वजह से। ये जो दिखाते ना जैसे कॉन्फिडेंस है, ये है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता हर चीज़ का वगैरह, ये उल्टा है, कम्प्लीटली उल्टा है। ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर पर्सन है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, ईगो है। ये जो ज़िद्द और ईगो है ना, ये इनसिक्योरिटीज़ के निशानी है कि ये दिखाते हैं ना वो बस अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपना ईगो वगैरह जो दिखाते हैं ना, ज़िद्द दिखाते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए, कि वो दिखाना नहीं चाहते दुनिया को, आपको, किसी को भी, कि ये कमज़ोर है, ये कमज़ोर है। फ्लेम देखी आपने? फ्लेम बहुत ज़्यादा थे, फ्लेम बहुत बहुत ज़्यादा है। एम इनिशियल हो सकता है, एस हो सकता है, एंड पॉसिबल है ना कि इनको स्पेशली, इनको ना सपने में सांप दिख रहे हैं, स्नेक्स, स्नेक दिख रहे हैं, या तो स्नेक दिख रहे हैं या तो कुछ डरावने ड्रीम्स दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ जैसे ना अजीब होने वाला है, ऐसा कुछ दिख रहा है। इन्होंने कुछ अजीब हरकतें, अजीब सिचुएशंस फील करना शुरू किया है, जैसे कुछ ड्रीम्स हो, कुछ आसपास की एनर्जी हो, कुछ तो है जहाँ पे ना जैसे कोई उनको कह रहा है, लाइक सोल की वॉइस हो या यूनिवर्स हो, ये कहीं ना कुछ गाइडेंस है कि जैसे ना उनको कोई कह रहा है कि आपसे जाके मिले, आपसे जाके बात करें तो आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। देखना ये ना बात करने आएंगे ना, ये बातों बातों में ना आपसे बहुत सारे ऐसे सवाल पूछेंगे कि जो बहुत ज़्यादा वियर्ड है, कि जैसे सपने या फिर ये एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स, टैरो, ये वो सब चीज़ की बात करेंगे, जो इनसे कभी एक मतलब आप उम्मीद करें तो वो बहुत ज़्यादा वियर्ड लगे कि ये कभी ऐसे कभी बात करेंगे भी क्या। इनके मन में ना एक अजीब सा डर या अजीब सी एक बात चुभ रही है, और कैसा है कि जब सेपरेशन हुआ ना तो इनकी हरकतें ही वैसी थी, यू नो ये कुछ छुपाना है, कुछ झूठ बोलना है या फिर इग्नोर करना है, निग्लेक्ट करना है, ऐसी हरकतें थी। और इसका पूरा ब्लेम गेम है ना आपके ऊपर डाल दिया, लाइक पूरा ब्लेम आपके ऊपर डाल दिया इन्होंने, मैनिपुलेशन, लाइक ना क्योंकि ये ना जैसे ना आपसे अजीब से डर गए थे, अजीब से डर गए थे,
ये झूठ बोल रहे थे, लेकिन झूठ के मानने के बजाय ना ये उल्टा चोर कोतवाल के डांटे वाली फीलिंग्स है, क्योंकि आप मान लीजिए कि ये फ़ोन में कुछ अजीब स्टेटस और ये चीज़ हो रहा है, लाइक ना ऑनलाइन स्टेटस कुछ और दिख रहा है, कुछ ये हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, लेकिन ना सही से पता चल रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो, या ये नहीं ऐसा नहीं, मतलब आपने झूठ पकड़ लिया या झूठ बोलने पर कॉन्फ्रंट कर रहे हो, आप पूछ रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और इसकी वजह से एकदम नाराज़गी हो गई कि भाई ऐसा नहीं है, नहीं बने एक्चुअली ये ना अजीब हो गया था कि उनको ना समझ नहीं आ रहा था कि क्या है लाइफ में, उनको ना अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दो चीज़ें हैं कि एक तो आपसे डर लगना कि ऐसा इंसान के साथ हम कैसे निभा पाएंगे कि ये बहुत ज़्यादा सच्चा है, होता है ऐसे होता है, और उनको शायद ना क्लियरली नहीं समझे कि यही एक्चुअली है, बट ऐसी सिचुएशंस होती है। दूसरा चीज़ है ना कि जब अच्छा टाइम होता है ना, जैसे आपका उनका मिलने के बाद ना एक थोड़े वक्त के बाद उनका अच्छा टाइम शुरू हुआ, तो अच्छे टाइम में ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, जैसे फॉरेन जॉब हो, फॉरेन बिजनेस हो, कोई अच्छा रिश्ता हो या कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है, तब वो ना बह गए कि वे भी हो सकता है कि बह गए, मुझे स्मैन की एनर्जी नज़र आ रही है, और नंबर टू इम्पॉर्टेंट लग रहा है, नंबर टू सी लेटर हो सकता है, इनके इनिशियल्स जी हो सकता है और यू हो सकता है, मुझे लगता है ना यही काफ़ी सारे सवाल लेके आ रहे हैं आपके पास, आएंगे ज़रूर, आएंगे ज़रूर, कहीं नहीं जाने वाले, आएंगे ज़रूर, क्योंकि इवन आपके भी सवालों के जवाब है, मिलने हैं। मुझे फ्लावर इन अबंडेंस की एनर्जी नज़र आ रही है कि जैसे आपको आपके ना अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है, अच्छे कर्म या फिर आपके इंतज़ार का फल मीठा होने वाला है, ऐसे वाली फील हो रही है, क्योंकि मुझे ना फल नज़र आ रहा है, फल फील हो रहा है, जैसे वो है, और मुझे ना सबसे बड़ी चीज़ है ना, पता नहीं क्यों मुझे बार बार है ना जो सीताफल होता है, कस्टर्ड एप्पल, उसकी एनर्जी फील हो रही है कि हो सकता है ना ये आसपास हो आपके, या फिर आपको मन कर रहा है खाने का, या सामने आपको दिख रहा है ये चीज़ है, बट देर इज़ समथिंग कनेक्शन, मतलब ये है, अगर पॉसिबल है तो ज़रूर रखें, भगवान के पास रखिए और नैवेद्य जो चढ़ाते हैं वैसे रखिए और खाइए, शायद आपको ना अपने किसी सवालों का जवाब मिलने के चांस है, लाइक फ्रूटफुल रिजल्ट की मुझे एनर्जी फील हुई, फ्रूटफुल रिजल्ट। हैं टैरो क्या कहते हैं, सो मैंने कहा ना आपके अच्छे कर्मों की अच्छा फल, अच्छा कर्मों का अच्छा फल वाली जस्टिस की एनर्जी, जस्टिस 11 नंबर कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वो चीज़ हो सकता है, जैसे यहाँ पे 2 नंबर अगेन फील हुआ है, मून का नंबर एक्चुअली जनरल देखा जाए 2 है, यहाँ पे 18 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 है, 8 है, 08, 88, 66, अगेन कुछ लोगों को ना 000 ऐसे एंजल नंबर दिख रहे हैं, लाइक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, कम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना ये आपसे ना कुछ लाइक कुछ सवालों के जवाब मांगने आ रहे हैं, कुछ सवालों के जवाब देने आ रहे हैं, जस्टिस की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, कुछ देना है कुछ लेना है, ये चीज़ है, और इनकी एनर्जी में जैसा फील हुआ ना ये मून 8 ऑफ सोर्ड्स, ये एनर्जी जहाँ से ना अभी तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ट्रैप सिचुएशन में है, उनको जैसे ड्रीम्स आ रहे हैं ना बहुत ज़्यादा अजीब अजीब, बहुत अजीब अजीब ड्रीम्स आ रहे हैं, वो चीज़ ना उनको समझ नहीं मिल रहा कि ऐसे सवाल, ऐसे ड्रीम्स, ऐसी सिचुएशन, ऐसे सवाल कि जहाँ पे ना कुछ समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है, क्या लाइफ में क्या चल रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है,
तो ये सारे सवाल के जवाब में जैसे उनको पता है कि आप ही इन सवालों के जवाब दे सकते हो, या फिर इनको ना कहा जा रहा है कि आप उनसे जाके मिलो, उधर जाके मिलो, तुम्हें मतलब यू विल फील बेटर. एक होता है ना कि जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि जाओ वहाँ वहाँ दर्शन करके आओ तो तुम्हें अच्छा लगेगा, वैसे काइंड ऑफ फीलिंग है. हालांकि आप भगवान नहीं हो, मैं ऐसा नहीं बोली कि भगवान नहीं हो, बट वो एक अलग है. क्योंकि एक होता है जो लवर्स कनेक्शन है, जो जो कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, वहाँ पे ऐसा है ना कि एक दूसरे को वो जो देने की या लेने की शक्ति है ना, वो आप में अपने दोनों में ही है. तो जो जब जुड़ेंगे तो लेन देन जो होगा, भले झगड़ा हो जाए भले झगड़ा हो जाए, लेकिन अंत अच्छा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. सो कम्युनिकेशन रिसीव होने के चांसेस हैं, यूनियन होने के, रीयूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. क्योंकि फिलहाल तो ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, उनके ड्रीम्स, उनके इंट्यूशंस, उनकी सोल वॉइस कुछ अजीब अजीब कह रही है. बट और ख़ास करें ना एक नई शुरुआत करने पर पुश करी है कि जाओ उससे बात करो, जाओ उससे मिलो, वो चीज़ मुझे दिख रही है. तो ये थी रीडिंग. आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स.